वेल हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक वीडियो और आपके लिए हैंडी सेंटेंसेस से संबंधित लेकर के हम आपके लिए और सिर्फ आपके लिए उपस्थित हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता है आपके लिए स्पोकन का कितना महत्व है, कितनी इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन और कलेक्टिव लैंग्वेज आपके लिए। तो ये वीडियो आपको डेडिकेटेड है, हैंडी सेंटेंसेस से संबंधित है, अर्थात ये वो वाक्य होते हैं जिन्हें हम सुबह से लेकर के शाम तक अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने रोजाना के जीवन में यूज करते हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है, तो व्हेनेवर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है, यू कैन यूटिलाइज दीज सेंटेंसेस प्रॉपरली वेल और अच्छी तरह से आप इनका यूज कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही वाक्यों की नीड है, आवश्यकता है, जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, तो वेल मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर H.M. रॉय और आप ये वीडियो देख रहे हैं रॉय जिगवे चैनल के माध्यम से, जिसने ठान ली है कि सफलता आपको दिलवानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक। इससे कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि इसके सारे सेंस, जो भी हमारे इसमें सेंसेस दिए गए हैं, वो भली भांति आप समझ पाएं और इन्हें अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट। यहां हम देख रहे हैं पहला सेंटेंस है हमारे लिए, दैट इज द वे द कुकी क्रम्बल्स। कम ऑन, समझिएगा, दैट इज द वे। अब दैट इज को मिलाकर के हम बोल देते हैं दैस, तो ये पढ़ा जाएगा दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। वंस अगेन, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, अर्थात होता है, होता रहता है, चलता है ये सब कुछ, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा होता ही रहता है अक्सर। तो ये सेंस हो जाएगा हमारा दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स के लिए। बहुत ही अच्छा वाक्य है, यूज कीजिएगा, याद करिएगा और लोगों तक प्रसारित कीजिएगा। अगला सेंटेंस है ज्वाइन द क्लब या वेलकम टू द क्लब। ज्वाइन द क्लब या वेलकम टू द क्लब, इट मींस इसका जो तात्पर्य है, व्हेनेवर यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ एनीथिंग एल्स, जब आपके पास किसी चीज की कमी होती है और उसी समय कोई अन्य व्यक्ति आपसे वही चीज मांगने के लिए आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी में कहते हैं, अरे भाई मेरा भी यही हाल है, मेरे पास ये चीज नहीं है। सपोज मान के चलिएगा कि पड़ोसी के यहाँ पानी नहीं आया है, पानी की कमी है, और वो एक बाल्टी लेकर के आपके पास पानी मांगने के लिए आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि भाई एक बाल्टी पानी दे दीजिएगा, तो आपका क्या कहना है ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपको पता है कि सुबह से पानी आपके यहाँ भी नहीं आया है, इसलिए आप क्या कहेंगे हिंदी में, मेरा भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है, मेरी भी यही स्थिति है। अंग्रेजी में इस वाक्य को कहेंगे ज्वाइन द क्लब प्लीज। कम ऑन, फिर से समझिएगा, ज्वाइन द क्लब प्लीज या वेलकम टू द क्लब, अर्थात मेरा भी यही हाल है। तो कोई भी ऐसी स्थिति जो आपके पास ऑलरेडी कम है, शॉर्ट है, और कोई उसी को मांगने आ गया है, तो आप हर परिस्थिति में बोल सकते हैं ज्वाइन द क्लब प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस, समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी, इट मींस कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। जब आपको लगता है कि द सिचुएशन इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू राइट सेंस और इन प्रॉपर सेंसेस, तो फॉर दैट सेंस वी कैन यूटिलाइज, वी कैन यूज दिस सेंटेंस, समथिंग इज फिशी, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है, समथिंग इज फिशी का सेंस वहां पर आ जाएगा। क्लियर? हाँ। अगला है यू कांट विन एम ऑल। ये जो हम यहां पर ई एम देख रहे हैं, ये टी एच ई एम का एक स्पोकन और कम्युनिकेशन के सेंस में यूज करने का अपना तरीका है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, यू कांट विन एम ऑल। कम ऑन, यू कांट विन एम ऑल, यू कांट विन एम ऑल, अर्थात आप सबको प्रसन्न नहीं रख सकते, सबको खुश नहीं रख सकते। आप कितने ही दुनिया में क्यों ना आपकी डिमांड हो, मांग हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपसे नाखुश रहेंगे, नाराज रहेंगे, और ऐसे ही सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं यू कांट विन एम ऑल, अर्थात आप सबको खुश नहीं रख सकते।
कम ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट इज डन इज डन, कितना महत्वपूर्ण सेंटेंस है, कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। कैसे, व्हाट इज डन इज डन, अक्सर हम अपनी रोजाना की दिनचर्या में यूज करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं, व्हाट इज डन अर्थात जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, अर्थात अब इसमें कोई भी चेंज परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई क्या कहेंगे आप, वॉज डन इज डन डियर स्टूडेंट्स, यानी जो हो गया सो हो गया, डोंट रिपेंट प्लीज, अब पछताइए मत ऑन दिस वन या ओवर दिस वन, डोंट रिपेंट ओवर दिस वन, पछताइए मत इस पर, अफसोस मत कीजिएगा, फॉर दैट सेंस। नेक्स्ट, खे सेवड़ा सेवड़ा, खे सेवड़ा सेवड़ा अर्थात के सेवड़ा सेवड़ा, यानी जो होना है सो होके रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, जो होना है सो होके रहेगा। इंग्लिश में कहेंगे के सेवड़ा सेवड़ा और हिंदी में कहेंगे जो होना है सो होके रहेगा। कम ऑन, जो होना है सो होके रहेगा, इंग्लिश होगी के सेवड़ा सेवड़ा, हिंदी होगा जो होना है सो होके रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ यू मेड हिम कम, हाउ यू मेड हिम कम अर्थात उसको कैसे लाना हुआ, यानी कभी कभी कोई व्यक्ति अकेला नहीं आता है, अपने साथ एक अन्य व्यक्ति को लेकर के चला आता है, जिसकी वहां पर डिमांड नहीं थी, मांग नहीं थी, जिसकी वहां पर कोई पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज करेंगे हाउ यू मेट हिम कम, हाउ यू मेट हिम कम, हाउ यू मेट हिम कम। अब यहां हिम के स्थान पर हम नेम भी लिख सकते हैं, हाउ यू मेट राम कम अर्थात राम को कैसे लाना हुआ, कैसे लाए राम को। तो फॉर दैट सेंस वी कैन यूज दिस सेंटेंस, है ना, हाउ यू मेड हिम कम, स्पष्ट है, हाँ याद करना होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कांट बीट द सिस्टम, कम ऑन, यू कांट बीट द सिस्टम, यू कांट बीट द सिस्टम, यू कांट बीट द सिस्टम अर्थात अगर आप किसी सिस्टम को, किसी तंत्र को, किसी व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकते तो फिर उसकी बात मान लीजिएगा, और इसलिए क्या कहा गया है, तुम इसे स्वीकार कर लो या तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा, कॉज यू कांट बीट द सिस्टम, क्योंकि आप इस चीज को पराजित नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स नेसेसरी फॉर यू टू एक्सेप्ट दैट वन, यू कांट बीट द सिस्टम, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू अर्थात इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू का सेंस होगा कि दोनों तरफ से, दोनों तरफ से जीत आपकी ही है, दोनों तरफ से जीत आपकी ही है, फॉर दैट वी आर यूजिंग इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, विन विन सिचुएशन फॉर यू, दोनों तरफ से जीत आपकी ही है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स अ लूज लूज सिचुएशन फॉर यू, इट्स अ लूज लूज सिचुएशन फॉर यू, इट्स अ लूज लूज सिचुएशन फॉर यू अर्थात दोनों तरफ से हार आपकी ही है। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इट्स अ लूज लूज सिचुएशन फॉर मी, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी अर्थात दोनों तरफ से जीत मेरी ही है, दोनों तरफ से हार मेरी ही है। अगर ऐसा कहना है तो आप इन सेंटेंसेस को यूटिलाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इजी डज इट टेक इट इजी, यानी जब कोई हड़बड़ाहट करता है, जल्दबाजी करता है, परेशान होता है, तो हम आसानी से उसे बोल सकते हैं टेक इट इजी या इजी डज इट। कम ऑन, फिर से बोलिए, टेक इट इजी या इजी डज इट, टेक इट इजी या इजी डज इट, फॉर दैट सेंस, यानी आराम से भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अपना वक्त ले सकते हैं, यू कैन टेक योर टाइम, फॉर दैट सेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, There is no armor against fate. There's no armor against fate. Come on, समझिएगा. There's no armor against fate. There's no armor against fate. यानी there और is को मिलाकर के इस फॉर्म में ले लेंगे हम, इस वहां से हट जाएगा और ये बन जाएगा There's no armor against fate. अर्थात भाग्य के खिलाफ कोई कवच नहीं है, तकदीर को कोई रोक नहीं सकता बदलने से, या तकदीर को कोई बदल नहीं सकता। तकदीर में जो लिखा है, व्हाटएवर इज अलॉटेड कांट बी ब्लॉटेड,
यानी कि जो भाग्य में बदा है, किस्मत में लिखा है, उसे बदला नहीं जा सकता, उसे चेंज किया नहीं जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ हैंडी सेंटेंसेस जिन्हें हमने अपनी एक सीरीज यानी श्रृंखला के रूप में स्टार्ट किया हुआ है। इन्हें आप एक रजिस्टर में नोट करते रहिएगा या करते रहिएगा या मेमोराइज करते रहिएगा, ताकि ये आपके जेहन में, आपके दिलो दिमाग में एडजस्ट हो जाएं, सेट हो जाएं, और जब भी इनकी आपको आवश्यकता पड़े, ये निरंतर आपके दिलो दिमाग से निकलते चले आए। क्योंकि ऐसे वाक्यों की हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है। बेहद महत्वपूर्ण वाक्य हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। इन्हें आप घर पर यूज कीजिएगा, ऑफिस में यूज कीजिएगा, क्लास में यूज कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों के साथ यूज कीजिएगा, अपने दूर और नियर, पास और दूर सभी लोगों के साथ यूज कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम, अलग अलग माध्यमों से, जो थ्रू डिफरेंट मीडिया फॉर दैट वन। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ओके एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉटन ऑल दीज सेंटेंसेस। उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गए होंगे और ये एक प्यारा सा वीडियो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आया होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आगे हम प्रकाशमय होने जा रहे हैं इस दीपों के माध्यम से, इन दीपों के माध्यम से जो हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं अंधकार को दूर करेगा और प्रकाश को प्रज्वलित करेगा। जिस तरह से हम रॉय जिग्वे चैनल के माध्यम से आपके जीवन में खुशियां लाने का एक बहुत ही उम्दा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे नियर डियर और दूर सभी शुभचिंतक कहीं ना कहीं हमारे इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें, इस अनुभव से लाभान्वित हो सकें और अपने जीवन में वो ढेर सारी खुशियां लेकर के आ सकें, और जो अज्ञान रूपी अंधकार है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं दूर हो सके, वो कहीं ना कहीं वहां से रफू चक्कर हो सके। तो वेल, मैं वंस अगेन HM रॉय एंड आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है रॉय जिग्वे चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन यानी घंटी उपस्थित होगी, उसे भी आप बजा दीजिएगा, उसे भी आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपके पास निरंतर पहुंचते रहें बिना किसी बाधा के। आप समझ रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया एक एक लाइक और देखा गया एक एक व्यूज हमारे लिए, हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए अपना योगदान अवश्य दीजिएगा, ताकि हम आप सभी के माध्यम से, आप सभी के योगदान से देश और दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम A to Z। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग।